प्यारे सज्जनों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं धर्म के चौथे लक्षण के ऊपर कुछ कहने जा रहा हूं। धर्म का चौथा लक्षण है अस्तेयम, यानी मन, वचन और कर्म के द्वारा पराय धन की इच्छा न करना। इसको कहते हैं अस्तेयम, यानी मन, वचन और कर्म के द्वारा चोरी नहीं करना, इसको अस्तेयम कहते हैं। अस्तेयम को पालन करने से धर्म की वृद्धि, धर्म का लाभ और हमारे अंतस्करण की शुद्धि होती है। यदि हम किसी पराय धन की इच्छा करते हैं जिस पर हमारा अधिकार नहीं बनता, यदि उसकी हम इच्छा करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में अधर्म का साथ लेना पड़ता है। हम अधर्म का साथ लेते हैं तो फिर धार्मिक नहीं कहला सकते, क्योंकि अस्तेयम धर्म का चौथा लक्षण है, धृति, क्षमा, दमो और अस्तेयम। हम किसी के धन की क्यों इच्छा करें? हम स्वयं ही धन का उपार्जन करें, उचित रूप से उपार्जन करें, पर्याप्त मात्रा में हम धन का उपार्जन कर सकते हैं। कहा गया है कि मनुष्य को वेद का आदेश है कि मनुष्य पुरुषार्थ करें और 100 हाथ से धन को बटोरें और 1000 हाथ से उनको लुटाएं। यानी हम धर्म के द्वारा धन का उपार्जन करें और त्याग पूर्वक उसका भोग करें, परंतु अनर्थ के साथ, अधर्म के साथ प्राप्त किया हुआ अर्थ नहीं होता, वो अनर्थ होता है और मनुष्य को वो कभी भी ऊंचाई के मार्ग पर नहीं ले जाता, वो उसका अनर्थ ही करता है, इसीलिए उसको अर्थ नहीं कहते। अर्थ होता है धर्म पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक जो उपार्जित धन होता है उसको अर्थ कहते हैं। यदि हम अनर्थ पूर्वक धन का उपार्जन करते हैं, किसी के धन की इच्छा करते हैं और लोभ और लालच के वशीभूत होकर के हम किसी के धन का हरण करते हैं तो इसको चोरी करना कहा जाता है। यदि हम चोरी करते हैं तो धर्म के मार्ग पर हम आरूढ़ नहीं हो सकते, हम धर्म के मार्ग से च्युत हो जाते हैं, यानी पतन हो जाते हैं, हम उससे गिर जाते हैं। किसी की अनैतिक रूप से धन की चेष्टा करना, लोभ और लालच का एक परिणाम स्वरूप है। जब हमारे अंदर लोभ है या लालच है, ये दोनों पाप के जनक और जननी है। त्याग धर्म की जननी है, तो लोभ और लालच पाप की जननी है, यानी पाप को जन्म देने वाले हैं। तो इसीलिए मनुष्य को अस्तेयम का पालन करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने आदेश दिया है कि ये मनुष्यों, यदि तुम धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो अस्तेयम का पालन करना पड़ेगा। मन, वचन और कर्म से किसी का भी धन हम उसको अनैतिक रूप से प्राप्त करने की चेष्टा न करें, इसको कहते हैं अस्तेयम या चोरी नहीं करना। यदि हमारे अंदर मन से भी हम चोरी करते हैं तो कहा जाता है कि भाई हमने मन में सोचा ही, इसको किया तो नहीं, क्रियान्वित तो नहीं किया, फिर इसका हमें दंड क्यों मिलेगा। यदि हमारे मन के अंदर चोरी की वृत्ति है तो कभी ना कभी, जिस प्रकार से बीज को धरती पर मिट्टी या खाद, पानी इत्यादि मिल जाने से वो कभी पौधा बन जाता है और विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, इसी तरीके से मनुष्य के अंदर यदि किसी को धन प्राप्त करने की, अनैतिक रूप से प्राप्त करने की, चोरी करने की इच्छा भी है तो बीज रूप से बना रहता है और समय मिलने पर कभी न कभी वो विस्तृत रूप लेता है और उसको धर्म की मार्ग से उसको बहुत दूर पहुंचा देता है, च्युत हो जाता है, पतन हो जाता है, इसीलिए वो अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। तो जो बीज रूप में है वो एक दिन क्रियान्वित रूप में आने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए हमारे अंदर मन में भी ना हो,
यदि मन में ना हो तो भविष्य में होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, और मन में ना हो तो वचन में भी नहीं होगा, और वचन में नहीं होगा तो कर्म और स्वभाव में भी वो निश्चित रूप से नहीं हो सकता। इसीलिए बीज रूप में जो मन से ही यदि हम उसको निकाल देते हैं तो हम अष्टयम का पालन कर सकते हैं, और अष्टयम चोरी न करने का कारण ही हमारे अंदर एक त्याग की वृत्ति आती है और हम धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं। यही अष्टयम का परिणाम है।